नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो बड़ा एक मुद्दा उठ चुका है कि वाल्मीकि समाज के द्वारा हड़ताल पे जा चुके हैं। कई दिनों से वाल्मीकि समाज हड़ताल पे जा चुका है और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो अभी हाल ही में विधानसभा चल रही है वहां पे भी एक न्यू अपडेट देखने को मिला है कि इस वैकेंसी को लेकर कि वाल्मीकि समाज की मांगे पूरी की जाए या नहीं की जाए, इस वैकेंसी में हड़ताल के अनुसार दोस्तों इस वैकेंसी को रद्द किया जाए। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि वाल्मीकि समाज के द्वारा हड़ताल पे जा चुके हैं और कहीं पे भी ये कचरा नहीं उठा रहे हैं। इसी अनुसार दोस्तों विधानसभा के अंदर भी ये एक नया मुद्दा उठा है कि वहां पे बताया जा रहा है कि इस वाल्मीकि समाज के हर बार इनकी मांगे ही क्यों मांगी जाए, इनकी मांगे क्यों पूरी की जाए। इस बारे में फिर से एक मांगे रखी गई है कि वाल्मीकि समाज के द्वारा कि ये वैकेंसी जो लॉटरी बेस की जा रही है, लॉटरी बेस पे ये वैकेंसी की जा रही है, उसको रद्द किया जाए। रद्द करने का कारण क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी DOIT के द्वारा ही वैकेंसी निकाली जा रही है। इनका पोर्टल DOIT का एक पोर्टल नया तैयार किया गया, वहां पर इसकी जो लॉटरी बेस की लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी। और दोस्तों लॉटरी बेस जारी की जाएगी तो इन वाल्मीकि समाज में कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो वाल्मीकि समाज के अनुसार ये कम पोस्ट रहने वाली है और इसी अनुसार दोस्तों ये हड़ताल पे आ चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि हड़ताल पे क्यों आना चाहते थे, कारण क्या रहना चाहता था इनका। कारण ये रहना चाहता था कि वाल्मीकि समाज के द्वारा कि ये वैकेंसी लॉटरी बेस को हटा के प्रैक्टिकल बेस किया जाए, प्रैक्टिकल बेस में किया जाए इस वैकेंसी को, और एक साल तक प्रैक्टिकल लिया जाए, एक साल तक प्रैक्टिकल लिया जाए, और इसमें आपको प्रैक्टिकल का जो भुगतान रहेगा, जो आपके मासिक वेतन रहेगा, वो भी आपको देने को मिलेगा। तो एक साल तक ये प्रैक्टिकल करवाएंगे, इसी अनुसार दोस्तों वाल्मीकि समाज को प्रथम प्रायोरिटी दी जाएगी और इसी अनुसार दोस्तों वैकेंसी ली जाए। इनमें हड़ताल में कुछ इनकी मांगे ऐसी रखी गई है और हाल ही में 3-4 दिन से ये हड़ताल लंबी चल रही है और अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा उठ चुका है हड़ताल का भी। दोस्तों इस वैकेंसी में अनुसार ये वाल्मीकि समाज के द्वारा ये वैकेंसी हड़ताल पे जा चुकी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी को नॉर्मल पोर्टल के द्वारा, DOIT के पोर्टल के द्वारा इस वैकेंसी को कैसे लिया जाएगा। दोस्तों पोर्टल के अनुसार इस वैकेंसी को लिया जाएगा, इसमें वाल्मीकि समाज की मांगे पूरी की जाएगी, प्लस इस वैकेंसी को अपने नॉर्मली आधार पर ये वैकेंसी लॉटरी बेस में निकाली जाएगी। लॉटरी बेस इसलिए निकाली जाएगी दोस्तों कि इसमें जो भी छाट रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी हट जाएगी, इसमें कोई घूस नहीं लगने वाली है। आप किसी को पैसे देके अपने इस वैकेंसी के अंदर एंट्री ले रहे हो वो हट जाएगी। तो दोस्तों इसमें वाल्मीकि समाज की प्रथम प्रायोरिटी दी जाएगी, वो नहीं दी जाने वाली, और इसमें प्लस आपको 3 महीने तक आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा, 3 महीने तक आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, प्लस इसमें आपको 3 महीने का इसमें आपको भुगतान मिलेगा, मासिक वेतन मिलने वाला है। इसी अनुसार दोस्तों ये वैकेंसी निकाली जाएगी। वैकेंसी निकालने का कारण यही रहेगा कि इसमें वाल्मीकि समाज की जो प्रैक्टिकल की मांगे थी वो इसको पूरी की जाएगी, प्लस आपको देखा जाएगा कि आपको लॉटरी बेस भी निकाला जाएगा। इनमें दोनों को मांग पूरी करके इस वैकेंसी को निकाली जाएगी। तो दोस्तों आज की कुछ इस प्रकार अपडेट थी कि वाल्मीकि समाज के द्वारा ये हड़ताल क्यों की जा रही और किस प्रकार ये वैकेंसी निकाली जाएगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी इस प्रकार निकाली जाएगी कि पोर्टल के अनुसार आपको देखा जाएगा, DOIT के पोर्टल के अनुसार एक वीडियो मैं बना चुका हूं पहले, कैसे जाके आप अपना पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें PDF प्राप्त हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप अपने वीडियो देख सकते हैं। जल्द से जल्द इस वैकेंसी को निकाली जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।